आधा बेटा। आज हम अपना बेटा जी थर्ड बायोमोलिक्यूल शुरू कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे लिपिड। इस बायोमोलिक्यूल में आपको कुछ बातें पीछे की होंगी जो आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, यहाँ पे जिनको हम समझेंगे। यहाँ पे चलेगा, समझ के देखते हैं। यहाँ से अलग से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, सबकी बातें यहाँ पे होती है, तो देखिएगा। हमारा थर्ड बायोमोलिक्यूल का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे लिपिड। अगर थोड़ा सा इस पे बेसिक डाले, कोई आपसे पूछे इन जनरल में लिपिड्स क्या होते हैं, इन जनरल में लिपिड्स क्या होते हैं, तब ये कहोगे लिपिड्स आर वॉटर इनसोल्युबल कंपाउंड एंड दीज आर द एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड। ये एक्चुअली क्या है बेटा जी? एस्टर कंपाउंड है। किसके एस्टर कंपाउंड है बेटा जी? फैटी एसिड और बेटा जी अल्कोहल। जब दोनों आपस में एस्टर बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं तो जो एक नया कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? यहां पे लिपिड। दोबारा बातें करते हैं। मैंने कहा लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। पहला पॉइंट। सेकंड बेटर, वॉटर इनसोल्युबल। थर्ड पॉइंट बेटा जी, सोल्युबल इन इस टाइप के ऑर्गेनिक में क्या है बेटा जी? यहाँ पे सोल्युबल होते हैं। अगर कुछ बातें सुनना बेटा, चलो बेटा बात तो देखो। लिपिड आर नॉट पॉलीमर। ये भानु नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है। लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। इस वर्ड पे जरा सोच के देखिए। आप लोगों ने अभी चार मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात की थी, आप लोगों ने चार बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स की बात की थी। इसका एक बायोमोलिक्यूल का नाम है न्यूक्लिक एसिड। वो एक पॉलीमर है जो किससे बना है बेटा जी? न्यूक्लियोटाइड से बना है। आपने कहा था जब न्यूक्लियोटाइड बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनती है, उसका नाम क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। आप कहते हो सकते हो या तो एक चेन या फिर दो चेन जब जुड़ती है तो क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। और आपने कहा सर दो तरह के चेन पड़े, जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो क्या है वहां पे? आरएनए है। और जो डबल स्ट्रैंडेड है वो क्या है बेटा जी? डीएनए। मतलब दोनों के दोनों क्या है बेटा जी? आपके पॉलीमर है। दोनों दोनों क्या है यहाँ पे? पॉलीमर है। हमारी बॉडी का, हमारी सेल का लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल कोई पूछे क्या है तो क्या कहोगे? डीएनए इज द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द सेल। डीएनए कैसा पॉलीमर है बेटा जी? लार्जेस्ट पॉलीमर हमारी सेल का। आपने फिर पढ़ा प्रोटीन, तो प्रोटीन के केस में आपने कहा सर प्रोटीन भी एक पॉलीमर है और उसके मोनोमर का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे अपना अमीनो एसिड। सो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो अलग अलग सीक्वेंस में रिपीट होके एक बड़ी चेन बनाते हैं, उसका नाम क्या था बेटा जी? पॉलीपेप्टाइड चेन। और सर उनसे क्या बनता है? फर्दर फोल्डिंग होके प्रोटीन फंक्शनल अपने आप को बना के तैयार करता है। बात है कि या तो एक ही चेन से बना होगा, एक से ज्यादा चेन से बना होगा, तो आपने कहते हैं सर मोनोमेरिक प्रोटीन या फिर क्या आपने मल्टीमेरिक प्रोटीन। ये सब बातें कि हम लोगों ने यहाँ पे वैसे अपने तीसरे बायोमोलिक्यूल की बात करवा सकते हो यहाँ पे। ये जो है इसकी कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है, इसकी कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है। ये बेटा जी पॉलीमर नहीं है, तो इस केस में नहीं कहने वाला कि इसका कोई मोनोमर है। मैं ये कहने वाला हूं ये दो चीज से बना होता है। जब फैटी एसिड और बेटा जी अल्कोहल आपस में एस्टर बॉन्ड से जब कनेक्ट हो जाएंगे तो जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा जी? यहाँ पे लिपिड बनेगा। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड्स हैं बेटा जी वो भी क्या है? वेरिएबल है। मतलब टाइप ऑफ द फैटी एसिड्स अलग अलग होंगी तो लिपिड भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैंने बोला बेटा अल्कोहल है, ये भी क्या है बेटा जी? यहाँ पे वेरिएबल है। इस वर्ड का क्या मतलब है? चलो बेटा यहाँ पे अल्कोहल भी अलग अलग टाइप के होंगे तो यहाँ पे लिपिड्स के टाइप भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे चेंज हो जाएंगे बेटा जी। यहाँ पे तो हमें एक बात को दिमाग में बैठा लेना है कि इट इज नॉट ए पॉलीमर। क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द गिवन बायोमोलिक्यूल इज नॉट ए पॉलीमर।
तो आपको याद रखना है लिपिड क्या नहीं है बेटा, ये पॉलीमर नहीं है। बाकी आप जो भी बायोमोलिक्यूल आगे शुगर पढ़ने वाले हो वो भी क्या है बेटा, यहाँ पे पॉलीमर है बट ये पॉलीमर नहीं है। ये दिमाग की बात हो जाएगी सेट हमारे। अगले वर्ड में आते हैं, आपने कहा सर इसका मोलिकुलर मास अगर देखा जाए तो वो कितना है, तो आप ये कहते हैं है मोलिकुलर मास लेस देन 800 डाल्टन। तो कितना है बेटा, 800 डाल्टन से कम है। जबकि आप ये कहते हो न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का, पॉलीसेक्रेड का सबका जो मास होगा वो अप टू द 10,000 डाल्टन तक का होगा। कितना होगा, 10,000 से भी ज्यादा का होगा, बट ये तो 800 से नीचे है। तो एक बार शुरुआत वाले टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनना इस बात को, यहां पे यहां तक का काम हो गया अपना, अब अगले टॉपिक को दोबारा सुनना एक बार। चलो बढ़िया, जिस दिन हमने पहली बार चैप्टर शुरू किया था अपना वहां पे बेटा जी बायोमोलिक्यूल पढ़ना, तो हमने ये बातें की थी कैसे ये पॉलीमर्स की डेटा दिया, कैसे इन बायोमोलिक्यूल्स की डिस्कवरी की गई थी, कैसे इनको एनालाइज किया गया था। मैंने वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट समझाए थे दो बेटा, हम तो उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं और फिर हम उसके आंसर को जानेंगे। सुनिएगा बेटा, हमने कुछ ऐसा कहा दुष्यंत बेटा, हमने ले लिया प्लांट एनिमल या फिर माइक्रोब्स, हमने कोई प्लांट टिश्यू ले लिया, हमने क्या ले लिया बेटा जी, प्लांट टिश्यू ले लिया, हमने एक लीफ ले लिया, हमने छोटा सा कोई एनिमल टिश्यू ले लिया बेटा, या फिर हमने माइक्रोब्स ले लिए, हमने उनको ग्राइंड किया, हम उनको क्या कहते हैं बेटा जी यहाँ पे ग्राइंड किया। तो आपने कहा सर इनको ग्राइंड किया था, हमने वहां पे एक सॉल्वेंट यूज किया था, उसका नाम याद है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या बोला था हमने, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या बोलोगे,
800 डाल्टन, उसका मास क्या था बेटा 800 डाल्टन से कम था बेटा जी। यहाँ पे हमने जब इनको एनालाइज किया, यहाँ देखो लक्ष्य, यहाँ देखो बेटा, हमने जब इनको देखा तो हमने क्या देखा, इनका जो मास है वो कितना है बेटा जी यहाँ पे लेस देन 800 डाल्टन। आप ऐसा कह सकते हैं 18 से 800 डाल्टन, हमने उसे लेस बोल दिया, आपने बोल दिया 18 से 18, तो बिल्कुल ऐसी बातें यहाँ पे भी 18 से 800 डाल्टन उसका मास है। नहीं मतलब जो भी लोवेस्ट साइज का मॉलिक्यूल उसका 18 से नीचे मास है। तो हमने कहा ये वाली बातें यहाँ पे है बेटा। अब दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, क्वेश्चन हमें समझना है यहाँ पे, जब इनका मॉलिक्यूलर मास 800 डाल्टन से कम था और 800 डाल्टन से कम वाले सारे के सारे इस फ्रैक्शन में बैठे हुए थे, वो यहाँ पे सारे सारे सोलुबल फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो ये फिर इस कैटेगरी में क्यों आया? Why lipids are present in acid insoluble fraction? वो acid insoluble fraction में क्यों मिले, हमें मिलने कहाँ चाहिए थे? हम वो बातें करें, पर पूछ रहा हूँ कि उसे मिलना कहाँ चाहिए था? Logically उसे मिलना कहाँ चाहिए था? इस कैटेगरी में, पर मिला कहाँ? इट मीन इस कैटेगरी में अगर वो प्लेस हुआ है तो कोई तो उसका रीजन होगा ना, हम बताएगा मेरे रीजन से, आप बस बताओ। सुनेगा क्या बात हो रही, आप लोग सेल चैप्टर को पढ़ चुके हो, किसको पढ़ चुके हो? आपने कहा सर सेल चैप्टर जब हमने पढ़ाया तो हमने उसमें पढ़ा था जो भी सेल मेम्ब्रेन है या जो भी हमारे सेल ऑर्गनल्स हैं, उनकी जो भी डिफरेंट टाइप की बायो मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो भैया की आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो ईआर की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो रोजी बॉडी की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो, ऑल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। किसकी बनी? लिपिड और प्रोटीन्स की। और आपने कहा था सर वो मेनली लिपिड्स का समुंदर है, जिस समुंदर में क्या दशे हैं प्रोटीन्स के? Iceberg embedded है, ऐसे लेन पढ़ते हैं ना इन क्लास में, it's a sea of lipid in which proteins iceberg are embedded, ऐसे लेन पढ़ते हैं नाइन क्लास में, डेफिनेशन दी जाती है। अब उसी बात को समझ के देखिएगा, अगर लिपिड हमारी सेल में हमें जहां दिखाई दे रहा है तो कहां दिखाई दे रहा है बेटा जी? यहां पे विद इन द बायो मेम्ब्रेन। आपने जब उस टिश्यू को, आपने उस सेल को बेटा जब ग्राइंड किया होगा, क्या क्या होगा उसको ग्राइंड किया होगा, तो मेम्ब्रेन्स की क्या होगी बेटा जी? फ्रेगमेंटेशन। उन मेम्ब्रेन्स की क्या होगी बेटा जी? फ्रेगमेंटेशन। उनके छोटे 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 क्या बन गए बेटा जी? पीसेस बन गए। आया ना? आपने कहा सर लिपिड जो है वो वाटर में क्या है यहाँ पे इनसोल्युबल है, उसका क्या बन गया होगा? एक बेटा एक्युमुलेशन हो गया होगा, एक गुच्छा सा बन गया, एग्रीगेट बन गया होगा। वो जो एग्रीगेट बना, उस एग्रीगेट को क्या बोला? इट बिकम ए वेसिकल, इट बिकम ए एग्रीगेट। क्या बन गया बेटा जी? वो एग्रीगेट। आप जब उसे से फिल्टर करने लगे बेटा जी, तो जब वो अगर एग्रीगेट बन गया तो बेटा जो फिल्टर तो नहीं हुआ ना। हमने कहा इंडिविजुअल लिपिड का मास कितना है बेटा जी? 800 से कम है, पर जब डिफरेंट लिपिड्स ने आके क्या बना लिया? एग्रीगेट बन गया, वो एक वेसिकल बन गया यहां पे, तो वो भैया जी इस फ्रिक्शन में आके प्लेस हो गया बेटा जी। तो कोई पूछे आपसे व्हाई लिपिड इज प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, तो आपके पास आंसर होना चाहिए because lipid is the main component of the biomembrane. It is the component of biomembrane ka, and during the grinding, the biomembrane gets fragmented and they form aggregate as they are water insoluble. So they form an aggregate, they form a vesicle, and the vesicle is formed by the aggregation of the different type of the lipids aggregation se bana hai, and it is not able to get filter out through this cheesecloth or the cotton, so filter out nahi ho paya beta ji yahan pe, to hame kahan dikhai diye yahan pe acid ke insoluble fraction mein. Baat batao samajh mein aayi ki nahi aayi beta ji? Question agar aapse kaha jaye to answer de denge is baat ka, likho jaldi se likhwate is baat, isko likhna hai mere bhai, लिखो मेरे भाई। लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर मास लेस देन 800 डाल्टन। लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर मास लेस देन 800 डाल्टन। बट दे आर प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन।
they are present in acid insoluble fraction because lipid is the main component of biomembrane and during the grinding biomembrane gets fragmented and form vesicle. Form vesicle or aggregate. Form vesicle or aggregate. These vesicles cannot filter through the cheesecloth. And become the part of acid insoluble fraction. हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से मुझे रेस्पॉन्ड दीजिएगा बेटा। अभी एंड स्नेहा, मैं माइक हटा रहा हूँ बेटा, बोलो जल्दी से। यस सर। स्नेहा, स्नेहा गुड़िया, समझ में आया कि नहीं? रेस्पॉन्ड करो गुड़िया। स्नेहा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, तो ये चीज एक पीछे की हमने रिपीट की उस बात के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो आगे बात को बढ़ाएं। यहाँ पे अगली बात पे आपने कहा यहाँ पे सर जो भी लिपिड होते हैं ये मेनली एस्टर हैं। किस किस की बात कर रही हैं यहाँ पे? फैटी एसिड्स की और किसकी बात कर रही यहाँ पे? एल्कोहल के। तो हमें पहले इन दोनों कंपोनेंट्स को समझना है बेटा, फिर हम एस्टर कौन बनाने का काम करेंगे। रोहन जी पहला वर्ड आ गया बेटा जी यहाँ पे फैटी एसिड। तो कोई पूछे आपसे फैटी एसिड्स क्या है, तो हमें कहेंगे एक ऐसी बेटा जी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और मैं कहूंगा चेन ऑफ कार्बन जिसके टर्मिनल एंड के ऊपर क्या बैठा होगा बेटा जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो एक लॉन्ग चेन क्या बन जाएगी बेटा जी यहाँ पे? फैटी एसिड। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला। सपोज कीजिएगा बेटा ये एक कार्बन की चेन, मैंने कहा ये सी एस थ्री का मॉलिक्यूल है और इसके एंड के ऊपर बेटा जी ये क्या लग गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया। तो आप कहोगे सर ये दो कार्बन की जो चेन बनी ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे फैटी एसिड है। आपने कहा सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा प्रेजेंट है। आपने कहा सर यहाँ पे एक दो तीन चार कार्बन हो गए यहाँ पे, या तीन कार्बन के एंड पे क्या बैठा है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बैठा है। ऐसे एक कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के पास क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है, या मैं कौन लाइन बोलू बेटा जी, इट इज ए नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। नाम को तोड़ो जरा यहाँ पे, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की क्या है बेटा जी चेन है, और आपने कहा सर ये नॉन पोलर है, इसके कोई पोल्स की बात नहीं, इसके कोई चार्ज वाली बात नहीं, कैसा है यहाँ पे नॉन पोलर है बेटा जी। इस चेन के टर्मिनल एंड के ऊपर ये जो लगा है ये क्या है बेटा जी यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो
बेटा यहाँ पे फैटी एसिड, बताओ ये वर्सन में आया कि नहीं आया बेटा जी? लक्ष्य जी ये फैटी एसिड वर्ड क्लियर हुआ आपको? सर फैटी एसिड हमारी बॉडी में कितने कार्बन की होती है मेनली? तो मैं कहूंगा हमारी बॉडी में जो भी फैटी एसिड्स है उनका मिनिमम कार्बन नंबर कितना होता है बेटा जी? C4, और मैक्सिमम कार्बन नंबर होता है C12। इसके बीच में हमारी फैटी एसिड्स क्या करती है बेटा जी? वेरी करती है, बट मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड है 15 और 16 का एक्यूरेट नाम बोले तो 16 and 18। जो मोस्ट अबंडेंट अगर है तो कौन से कार्बन की बेटा? 16 और 18 के, 17 की नहीं है, 15 की नहीं है। आप एक्यूरेट वर्ड बात करोगे या फिर हमारी बॉडी मोस्ट अबंडेंट टाइप की जो फैटी एसिड्स है, मोस्ट कॉमन टाइप की जो है वो कौन सी बेटा जी? C16 वाली, और कौन सी यहाँ पे? C18 वाली। ऐसी चीज हमारे अंदर क्या है बेटा जी? यहाँ पे कॉमन है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन या अदर अदर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो ऐसी फैटी एसिड होती है। लिखो इसको, फिर एग्जांपल की बातें करेंगे हम, इसके टाइप की बातें करेंगे। जिसके कोई पोर होते हैं, जिसके दो एंड्स बन जाए, उसके चार्ज वगैरह लगते हैं, एंड बनते हैं उसके, यहाँ पे जो वाटर सोल्यूबल वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं पोलर। जैसे वाटर में होता है ना कि एच, वो होते हैं उसमें चार्ज क्रिएट होते हैं, इन कैसे कुछ कार्बन कितना भी हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि ये कार्बन की चेन 1 से लेके 19 के बीच क्या है बेटा जी? वेरी करती है 1 से लेके 19। तब सोच के देखो अगर इस कार्बन चेन में 9 कार्बन है तो एक ये कार्बन बनेगा, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा जी? 20 आया ना बेटा जी। तो हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी में यूनिफॉर्मली अगर देखा जाए तो कितना यहाँ पे मिनिमम 4 कार्बन तक, मैक्सिमम 20 कार्बन की फैटी एसिड्स वेरी करते हैं यहाँ पे, बट मोस्ट अबंडेंट कितने? 16 और 18 वाली। अभी आपको एग्जांपल बात होगी तो और अच्छा समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे यहाँ हमने कहा ये फैटी एसिड्स फर्दर अभी बेटा दो प्रकार की होती है। या तो बेटा फैटी एसिड का नाम होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, या बेटा इसका नाम होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाम को समझ के देखते हैं। अगर हम बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है बेटा जी? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पर चेन, बिटवीन कार्बन साइड चेन, जो भी कार्बन की साइड चेन है उसमें कैसा बॉन्ड है बेटा जी? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कैसे जुड़े, तो वो कैसा होगा यहाँ पे? सैचुरेटेड। और आपने कहा सर अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है साइड चेन में तो ऐसा कैसा है बेटा जी यहाँ पे? अनसैचुरेटेड। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन साइड, ठीक बात है? हाँ या ना बेटा? आप ये कहते हो बेटा जब हम इन फैटी एसिड्स को देखते हैं तो इनका बेटा जी अगर आप नेचर देखो तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर हमारे जो बॉडी में फैटी एसिड्स बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं होते, कैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले हैं? तो हम वही बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स पर हैं। हम पढ़ते हैं हमारे सेल के बायो मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री के तौर पर नहीं पढ़ेंगे कि नेचर में हम
बात करें हमारे सेल के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनमें कैसे बॉन्ड होते हैं, उनके रेफरेंस पे बात करने वाले हैं। आपने कहा सर ये सोलिड एट रूम टेम्परेचर है, जब यहाँ पे पूरे गिवन लिखा जाता है रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है, कितना